भारतीय कोर्ट के अजीबोगरीब फैसले। 13 की उम्र में आरोप, 12 साल जेल, अब निर्दोष। ये अंधा कानून है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अदालत का एक ऐसा फैसला, इसे सुनकर आप गुस्से से भर जाएंगे। आपको लगेगा कि न्याय भी लक्ष्मी का गुलाम है या सिर्फ अमीरों की जागीर है। आपके मन में सवाल उठेगा, अमीरों को तुरंत मिलने वाला न्याय गरीबों को बरसों बाद क्यों मिलता है? क्या बिना आरोप सिद्ध हुए कोर्ट किसी अभियुक्त को बरसों जेल में रख सकता है? वह भी किसी नाबालिग को? क्या कोर्ट को यह अधिकार है कि बिना आरोप सिद्ध हुए नाबालिग को जीवन को जेल के अंदर तबाह कर सकती है? ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में उठेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, MSTV ने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको हम भारतीय न्यायालयों के अजीबोगरीब फैसलों के बारे में बताते हैं। MSTV के सीरीज का यह 12वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बिहार की एक निचली अदालत के एक फैसले के बारे में बताया था। इस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी की जाति देखकर कानून में उल्लिखित दंड से हटकर सजा सुनाई थी। आरोपी की धोबी जाति को देखते हुए कोर्ट ने उसे मुफ्त में 6 महीने तक स्त्रियों के कपड़े धोने और इस्त्री करने की सजा मिली थी। आज हम आपको अपने अजीबोगरीब फैसले के 12वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के एक अदालत के एक फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप कहेंगे ये कैसा कानून और न्याय है? क्या कोर्ट एक नाबालिग के साथ भी ऐसा कर सकता है? सच में क्या कानून अंधा है? मामला क्या था? मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांव का था, जहां जुलाई 2010 को गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला का शव खेत में मिला था। पति ने अज्ञात पर दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस आरोप में 13 वर्ष के मुलायम सिंह मौर्य को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में कहा, मुलायम ने जुर्म खुद स्वीकार किया है। हालांकि महिला के पति ने दलील दी थी, किशोर अकेले दम पर उसकी पत्नी के साथ इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता है, इसमें और लोग शामिल रहे, लेकिन पुलिस ने मुलायम को ही बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया। पिता ने बताया कि पुलिस ने मुलायम को बहुत मारा था, मार के डर से उसने जुर्म कबूल किया था। बेगुनाह होने के बाद भी नाबालिग ने काटी 12 साल की सजा। पुलिसिया जांच पड़ताल की व्यवस्था ने एक मासूम के बचपन की हत्या कर दी थी। 13 वर्ष की कच्ची उम्र में महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में जेल भेजे गए किशोर की बेगुनाही 12 वर्ष जेल में रहने के बाद साबित हो सकी। इस बीच पीड़िता के परिवार ने सामाजिक तिरस्कार सहा, माँ बाप और भाई बहनों का सहारा छीना और उसकी पीड़ा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसे बचपन से लेकर अब तक कीमती वर्ष जेल में बिताने पड़े। न्याय मित्र दिलाते रहे तारीख पर तारीख। मुलायम के जेल जाने के बाद उसके माता पिता और छोटे भाइयों की माली हालत ऐसी भी नहीं थी कि वह दौड़ भाग और पैरवी में पैसा खर्च कर सके। यहां तक कि गांव से जेल तक आने जाने के लिए उनके पास किराया भी नहीं होता था, इसलिए वह जेल मिलने भी नहीं जा पाए। दूसरी तरफ मृतक महिला का फौजी पति लगातार पैरवी में जुटा रहा। कोई वकील न होने पर मुलायम को पैरवी के लिए न्याय मित्र दिया गया। न्याय मित्र साल दर साल तारीख पर तारीख दिलाते रहे। अदालत को जब लगा कि लचर पैरवी हो रही है, तो 2 साल पहले सरकारी वकील मूलचंद्र कुशवाहा को पैरवी सौंपी। सरकारी वकील ने अंततः नए सिरे से केस का अध्ययन किया और नाबालिग मुलायम को दोषमुक्त करा लिया। पुलिस के पास नहीं था कोई सबूत। वकील मूलचंद्र कुशवाहा ने बताया, महिला की हत्या और दुष्कर्म में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में काफी विरोधाभास थे। पुलिस ने अपनी विवेचना में घटनास्थल 3 जगह दर्शाया। संबंधित दरोगा के अलावा कोई गवाह भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मुलायम की घटना में शामिल होने का कोई सबूत भी पुलिस नहीं दे सकी। अंततः अदालत ने मुलायम मौर्य को बरी कर दिया। माता पिता की छलक पड़े आंखों में आंसू। बेटे की रिहाई की खबर सुनकर माँ और पिता की आंखें छलक पड़ी। बोले, गरीबी की वजह से बेगुनाह को सजा मिली। बताया, इतनी हैसियत नहीं थी कि जमानत और मुकदमेबाजी का खर्च उठा पाते। कोर्ट में बेनुगाही साबित करने में इतना खर्च होता है कौन नहीं जानता। उसे गलत तरीके से फंसाया गया। पुलिस ने अन्याय का साथ दिया। मुलायम सबसे बड़ा बेटा था, हम दोनों और 2 छोटे भाइयों व बहनों की परवरिश करता था। उसके न रहने से पूरे परिवार ने जो दिन भोगे हैं वो हमेशा याद रहेंगे। गांव से ओरन या बबेरू जाना होता है तो आज भी किराए का इंतजाम नहीं हो पाता। सरकारी कोटी से मिल रहे राशन से ही गुजारा हो रहा है। दोनों बेटे प्रदेश में मजदूरी करने चले गए हैं।